करके प्रणाम कराया, चरण रज को मस्तक पे धारण करने के लिए कहा। एक दिन शंकर जी ने स्वप्न दिया और बोले, बाबा तुमने हमारा काम नहीं किया, हमने कहा था कि उनको राम कथा सुनाना, तुमने सुनाया नहीं। बाबा भूल गया, अभी सुनाता हूं। सवेरे उठे और बोले, सुनो तुलसी जी, गुरु जी जाओ स्नान करके आओ गंगा जी में, शुकर चित्र मानो सोरो, स्नान करके आओ। स्नान करके आए और स्नान करके आके बोले, बैठो। बैठे, अब बोले, हम तुमको ध्यान पूर्वक कथा सुनाते हैं, तुम ध्यान पूर्वक कथा सुनो। जी गुरु जी, पूरी कथा सुनाई राम कथा। समझ में आई? बोले नहीं आई गुरु जी, दोबारा सुनो, दोबारा सुनाए। तो गोस्वामी जी कहते हैं, तब मैं रायो अचेत, उससे मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं था, तो मैं गुरु जी से एक एक वस्तु को पांच पांच बार पूछता, और गुरु जी मेरे इतने करुणावान, इतने दयालु, मुझे पांच पांच बार बताते। ये नहीं कहते कि कुछ भी याद नहीं करता है ना, पांच पांच बार बताते। उसके बाद महाराज गुरु जी मन में आया, राम कथा तो इसने सुन ली, याद भी हो गई, अब इसको थोड़ा सा शास्त्रों का ज्ञान होना जरूरी है, कुछ संस्कृत का ज्ञान होना जरूरी है। इसको काशी ले चलता हूं, काशी में कुछ पढ़ाता हूं इसको। देखो जब कृपा होती है संत की, तो फिर वो महाराज अपना ही बच्चा समझते हैं, फिर उसके लिए प्राणपण से पूरी पूरा प्रयास करते हैं। जब चेला बनता है ना, तो फिर क्या सोचते हैं, इस चेला को जोरदार बनाना है, ये जोरदार बनेगा तो हमारा नाम होगा, क्योंकि गुरु की महिमा चेले से है और चेले की महिमा गुरु से है। अरे फलाने का शिष्य है, ठीक है, अरे उसके गुरु जी हैं ये। अब जैसे वो है देवकीनंदन जी, अब उनके गुरु जी बिल्कुल साधारण रहते हैं, प्रकांड विद्वान है, उनको नहीं जानते हैं, उनको जानते हैं। तो गुरु की महिमा कभी कभी शिष्य से बढ़ती है, और कभी कभी शिष्य गुरु से, तो महिमा शिष्य की हमेशा रहती रहती है। परेशान से कहता है, अरे तुमको पता नहीं हम उनके चेले हैं। अब महाराज गोस्वामी श्री तुलसीदास जी को साथ लेके नर हरिदास जी महाराज काशी चले। आपको याद आई नर हरिदास जी को, एक हमारे मित्र रहते हैं काशी में, जिनका नाम शेष सनातन है, उन्हीं के पास लेके चलता। चल पड़े शेष सनातन जी, बचपन में साथ पढ़े थे नरहरिदास जी के, और इतने विद्वान थे शेष सनातन जी, इनको 14 भाषाओं का ज्ञान था। कितने? 14 भाषाओं का ज्ञान, इतनी विद्वता थी, पूछो मत ना। अवस्था लगभग 70 के वर्ष हो चुकी थी, सोच रहे थे
कोई ऐसा चेला मिल जाए जिसको अपनी विद्या में दे दूं, नहीं तो विद्या को संभालने वाला नहीं है और मेरे साथ ही वो चली जाएगी। बहुत से ऐसे होते हैं कि विद्या नहीं देते, मर जाते हैं भले, लेकिन देते नहीं। अरे विद्या को बांटने से खूब बढ़ती है। तो महाराज शेष सनातन जी के पास पहुंचे नरहरिदास जी। जैसे ही शेष सनातन जी ने देखा नरहरिदास जी को, अरे मित्र तुम तो बहुत वर्षों बाद मिले। बोले हाँ जी, प्रमुख मिलन हुआ बैठ गए। बालक नीचे बैठ गया और भगवत चर्चा आपस में होने लगी, कहाँ रहे, किधर गया, कहाँ स्थान किया, कहाँ भजन किया, तुम कहाँ रहे, चर्चा होने लगी। वो बालक जो है नीचे बैठा हुआ राम बोला और तुलसीदास जी वो गौर से सुन रहा, दोनों को टुकुर टुकुर निहारते हुए बातें सुन रहा है। अचानक बात करते करते दृष्टि गई शेष सनातन जी की, देखा गौर से सुन रहा है। बोले क्यों रे, क्या नाम है तेरा? बोले आप सब संतों का दिया हुआ छोटा सा नाम, दास का नाम तुलसीदास। क्या सुन रहा टुकुर टुकुर, कुछ समझ में आ रही है? तुलसीदास जी बोले आपकी आज्ञा हो तो एक घंटे में जो आप दोनों की बातें हुई है कहकर सुनाऊं। तो सुनाओ। तो तुलसीदास जी ने जो जो वार्ता हुई थी आपस में उसको सुना दिया अक्षर से। चौंक पड़े महाराज एकदम शेष सनातन जी, इतनी बुद्धि एक बार में याद। बोले नरहरिदास जी महाराज से कहा, मित्र एक बात कहें, हाँ इस बालक को हमको दे दो, हम अपनी विद्या इसको देना चाहते हैं। नरहरिदास जी महाराज ने मन ही मन विचार किया, हम तो लाए से लिए थे, ले लीजिए बेटा। तुलसी जी गुरु जी, आज से तेरे माता पिता ये हैं, तेरे गुरु जी ये हैं, हमारा ही स्वरूप है, अब ये हैं, इनको सारी सेवा करना, इनकी आज्ञा के बिना कोई कार्य मत करना, ठीक है बेटा? ठीक है गुरु। उनको उनके पास छोड़ के और श्री नरहरिदास जी आगे निकल गए। अब महाराज, अब क्या हुआ, 5 वर्ष तक गोस्वामी जी महाराज प्राणपण से और सेवा करते रहे श्री शेष सनातन जी की। तुलसीदास जी महाराज ने उन 4 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। गोस्वामी जी कोई साधारण नहीं है, 14 भाषाओं का ज्ञान किया। एक दिन दिनरात सेवा में लगे रहते, विद्याध्यन करते, पास के जंगल में भूत रहते थे। पास में जंगल था, वो भूत रहते थे। 7 बजे के बाद कोई उधर नहीं जाता था, सब डर, सबको डर लगता था। तब महाराज एक दिन गुरु जी ने कहा जाओ उधर से लकड़ी ले आओ। अब सब डरने लगे महाराज, बोले हम नहीं जाएंगे, तू जा। ओके तू जा, तू जा। बोले नहीं मैं नहीं जा रहा हूँ, भूत रहता है। ओके मैं नहीं जा रहा, भूत रहता है। गोस्वामी जी ने कहा क्या बात है, क्यों नहीं जाते? बोले हम भूत रहता है। तो गोस्वामी जी ने पहली रचना की हनुमान चालीसा की, उसी अल्प आयु में ही हनुमान चालीसा की रचना की।
वहां देखा श्री गुजरात सरोज है देवन मकर सुधार बनोर बहुत सुंदर लिखा हमें और बीच में कहा भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। तो उन्होंने कहा देखो इसको पाठ करते हुए जाओ एक भी भूत नहीं आएगा। तो सब ने कहा ऐसे थोड़ी नहीं है तो तू चला गई तू पाठ करता हुआ चल बोले आओ। तो आगे आगे तुलसीदास जी महाराज पाठ करते हुए गए और पाठ करके गए सनकड़ी ओपड़ी सब समेटली पाठ करते रहे कोई भूत नहीं आया। हम सबको विश्वास हो गया तो सबने महाराज रोज चालू कर दिया हनुमान चालीसा और जब जाते तो हनुमान चालीसा पढ़ते हुए जाते कोई भूत नहीं आता। इस प्रकार पहली रचना गोस्वामी जी की ये हनुमान चालीसा हुई। अब महाराज एक दिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को गुरु जी ने बुलाया श्री सनातन जी ने बुलाया एकांत में बैठाया बोले बेटा मेरे पास जितना साहित्य था जितना ज्ञान था मेरे पास उस समय तुमको दे चुका मैं अब मेरे पास कुछ नहीं है और अब मेरा जाने का भी समय हो गया। गुरुजी 75 वर्ष के हो गए थे। एक दिन बैठाया बोले बेटा अब मैं चलता हूं बीमार पड़े और ठाकुर जी को याद करते हुए भगवत धाम को प्रस्थान किया। तुलसीदास जी महाराज बहुत रोए क्योंकि तो माता पिता तो थे नहीं यही सब कुछ हुए जो कुछ है खूब रोए अंतिम संस्कार किया श्री तुलसीदास जी महाराज ने और आगे कुटिया में वो गुरु जी के वस्तुओं को देख देख के ज्यादा दुखी होते। जब कोई चला जाता है ना तो उसकी वस्तुओं को देख के ज्यादा याद आती है नहीं गुरु जी के आसन को गुरु जी की सैया को गुरु जी के भयासन को ज्यादा याद आती। तो विचार किया अब कुछ समय के लिए अपने गुरु जी के पास चलता हूं अपने गुरु जी के पास चलता हूं। तो वहां से काशी से आप चित्रकूट चले गुरुजी के पास पैदल यात्रा होती थी। यात्रा करते 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 पहुंच बीच में पहुंचे मार्ग में कुछ संत मिल गए एक जमात आ गई थी संतों 10-20 संत थे सबको प्रणाम किया दंडवत महाराज जय सीताराम। पूछा महाराज कहां से आ रहे हो चित्रकूट से आ रहे हैं गुरु जी कैसे हैं तुमको नहीं पता बोले क्या बोले गुरु जी तो पधार गए 2 महीने पहले ही। ओहो ऐसा वज्राघात हुआ महाराज बेहोश होके गिर पड़े एक तो इधर वो पधारे अब इधर ये भी चले गए बड़े दुखी हुए महात्माओं ने जल के सीधे मारे होश लाए फिर बैठ के रोने लगे। एक सूल मोही बिसरे न काओ एक सूल मोही बिसरे न काओ गुरु कर कोमल शील सुभाव
एक सूल हमारे हृदय में चुपता रहता है, गुरुदेव भगवान का वो सुंदर कर कमल हमारे मस्तक पे जब फेराते थे तो ऐसा लगता था क्या मिल गया। और वो गुरुजी का शील स्वभाव, मैं कितनी भी गलती करता था गुरुजी कभी मेरे को डांटते नहीं, नाराज नहीं होते। विचार किया काशी जाऊंगा तो उनकी याद आएगी, चित्रकूट जाऊंगा तो उनकी याद आएगी, तो पास में ही जन्मभूमि है, चलो थोड़ा जन्मभूमि चलता हूं। गोस्वामी जी जन्मभूमि की ओर मुड़ गए। अब पहुंचे जन्मभूमि, कहां? राजापुर। तो लोगों से पूछा, बहुत वर्षों बाद गए, लोगों से पूछा आत्माराम दुबे जी का मकान कौन सा है। इनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे। बोले आत्माराम दुबे जी का मकान कौन सा है। लोगों ने पूछा तुम कौन। तो बोले आप बताइए तो सही। बोले उनके परिवार में अब कोई नहीं है, महात्मा जी ने श्राप दे दिया था कि तुम्हारे वंश में कोई पानी देने वाला न बचे, कोई नहीं है। गोस्वामी जी वापस गांव से जाने लगे। लोगों ने पूछा सुनो सुनो तुम कौन हो, बताए नहीं। बोले तुमने नहीं पहचाना। बोले मैं राम बोला हूं। अच्छा तुम राम बोला हो। हाँ हमने सुना है कि राम बोला काशी में रहता है, बहुत बड़ा विद्वान बन गया है। बोले मैं वही हूं। अच्छा तो तेरे माँ बाप, हम भी तेरे माँ बाप हैं। तो रुक हमारे भोजन कर, हमारे रुको और सुना, हमने सुना तो बढ़िया राम कथा सुनाता है, तो हमको सुना के जाना यहाँ पे। तो गोस्वामी जी ने कहा चलो ठाकुर जी की ऐसी इच्छा तो रुक जाओ। रुक गए महाराज। अब काशी में जो पढ़ा था और गुरु जी के मुख से जो सुना था राम कथा, अब विचार किया कि प्रारंभ यहीं से करो। तो गांव वालों से कहा ठीक है राम कथा करेंगे, पांडाल बनाओ। तो सब गांव के लोग बड़े उल्लासित हुए, उस समय कथा कहां होती थी। बड़ा जोरदार पांडाल बना, गांव के सब लोग इकट्ठे हो गए, तैयारी की। अब महाराज आसपास के सब गांवों को सूचना दिया कि पहली बार राम कथा हो रही है और हमारे राम बोला के द्वारा हो रही है। तो सब गांव के लोग आसपास के सब इकट्ठे हुए, हजारों लोग बैठे। गोस्वामी जी महाराज ने व्यास पीठ को प्रणाम किया और व्यास गद्दी पर विराजमान हुए, गुरुदेव भगवान के चरणों का ध्यान किया और ध्यान करके मंगलाचरण किया। और सबसे पहले प्रेरणा हुई गुरुदेव भगवान की कृपा से कि बोले सबसे पहले बोले तुम नाम की महिमा का गान करो, क्योंकि इस कलयुग में केवल नाम ही आधार है, प्योर माल है, बाकी सब में मिलावट है। अब कथा में मिलावट है, तो कथा में क्या मिलावट, तो सत्ता होती है तो पहले बाप कथा चालू होती है, हमारे पिताजी यहाँ थे, यहाँ गए वहां गए, फिर आप कथा होती है कि मैंने इतनी कथा कर ली, मैंने वहां गया था, वहां चमत्कार हुआ, ये हुआ। फिर जबकि व्यथा घर घर में क्या हो रही है, सास बहू में क्या हो रही है, देवर जेठानी में क्या हो रहा है, सब चलता हो। और उसके बाद में भी थोड़ा समय रह गया, उसमें राम कथा और कृष्ण कथा हो गई सब। तो पहले 8 घंटा कथा होती थी, 4 घंटे सुबह 4 घंटा शाम को, 8 घंटा तो भी कथा पूरी नहीं होती थी।
वो 3 घंटा कथा होती है, उसमें लोग नाचना कूदना हो गया पूरी कथा। तो कहते हैं इसमें कथा मिलावट है। दूसरी बात, कथा पहले निःशुल्क होती थी, अब वही कथा तय की जाती, मिलावट हो गई। केवल भगवान नाम ऐसा है, केवल माल है, ना किसी लेना ना किसी देना, अपने मगन रहना। राम राम रटो, महात्मा जी कहते हैं राम राम रट ये सामने से हट। नाम की महिमा का गान किया गोस्वामी जी ने, बंदौ नाम राम रघुवर को, हे तु किसानो भानो हिम कर को। बोले अग्नि में जो दाहकता है वो किससे है, राम नाम से। चंद्रमा में जो शीतलता है वो किससे, राम नाम से। और इस सृष्टि का जो विमूल कारण है वो राम नाम है। और जो प्रकाश देने की शक्ति है सूर्य में वो राम नाम से है। तो कहा जान प्रभाव नाम प्रभाव जान शिव नीको। शंकर जी ने उस प्रभाव को जाना, हलाहल विस्को पान कर गए और विचार किया अंदर तो ठाकुर जी बैठे हैं हृदय में, अगर ये विष अंदर जाएगा तो ठाकुर जी को कष्ट होगा और बाहर निकालूं तो लोगों को कष्ट होगा। तो क्या करूं, ना बाहर ना अंदर, कंठ में रख लिया तो नाम पड़ गया नीलकंठ। वो नीलकंठ भगवान की, नाम पड़ गया नीलकंठ भगवान। सुंदर नाम की महिमा का गान किया, लोग आने लगे, आनंद आने लगा। यमुना जी के उस पार से एक ब्राह्मण कथा सुनने आता, उसकी पुत्री थी रत्नावली, उसकी बेटी रत्नावली जो परम विदुषी थी, बहुत विद्वान थी। उसके लिए कोई योग्य वर खोज रहे थे लेकिन कोई योग्य वर नहीं मिल रहा था। तो महाराज स्वप्न में शंकर भगवान ने आज्ञा दी ब्राह्मण को, बोले ये तुलसीदास जी है ना, हाँ बढ़िया योग्य वर है, इनके संग ब्याह कर दो। तो कथा सुनने आया, कथा सुनी, उसने प्रसन्न हुआ, जोरदार कथा हुई, बोले ठीक ठाक है, ठीक है। तो बाद में कथा के बाद में विचार किया, परिवार वालों को और सुना देता हूँ, दिखा देता हूँ। तो पूरे परिवार वालों को लेके आ गया दूसरी कथा सुनने के लिए, लड़का देखो लड़का कैसा है। सबने देखा, कथा सुनी, सबको पसंद आ गई, ठीक। अब कथा के बाद में मिले पिताजी, बोले एक बात कहनी थी, बोले हाँ बोलो। तुलसीदास जी ने सोचा कोई प्रश्न पूछेंगे, अध्यात्म का प्रश्न पूछेंगे, कुछ कुछ कथा में समझ में नहीं आ रहा होगा वो पूछेंगे। हाँ पूछिए क्या, बोले हमारी बेटी है उससे ब्याह कर लो। गोस्वामी ने मना कर दिया, हमें नहीं करना ब्याह। हुआ गांव के लोगों ने कहा, वृद्ध ब्राह्मणों ने, ये सुनो हाँ क्या पूछ रहे उससे, बोले ब्याह की बात पूछ रहे थे। बोले तो मूर्ख हो, उसने क्यों, अरे ब्याह की बात माता पिता से की जाती है कि लड़के से की जाती है, माता पिता हम हैं, हमसे पूछो लड़के हो तो लड़का, अलग से क्या पूछ रहे हो। बोले महाराज जी बताइए, हाँ पक्की हो गई बात, बता बता दे के कब आवे। तो गोस्वामी जी से कहा,
कि हमने बात पक्की कर दी। बोले मैंने तो नहीं कहा है, तुम्हारे कहने से क्या होता है, हमने कर दी पक्की, तुम्हारे हमारे घर हमारे गांव के हमारे रखे हो, पूरी में रहूंगा क्या, बोले हम बना देंगे कोई झोंपड़ी रहने के लिए। वो स्वामी अच्छे फंसे। अब महाराज जबरदस्ती तैयार कर लिया गया उनको, तैयारी करो बारात की, बारात की सब तैयारी लग गए, उनको सूचना दे दी कि हम फला दिन बारात बारात लेके आएंगे। अब महाराज उधर तैयारी बारात लेके पहुंचे और सुंदर विधि विधान से इनका ब्याह संपन्न हुआ और रत्नावली जी को लेके वापस आ गए गांव में। जब गांव में आए तो गांव वालों ने कहा है सुनो ये रहेंगे कहां, तो गांव वालों ने मिलके इनके लिए झोंपड़ी बना दी, ये तुम्हारी कुटिया यहां रहो। तो पति पत्नी गांव रहने लगे। परम विद्वान ये अपरम विद्वान वो दोनों रात को बैठते सत्संग के लिए, नौ बजे बैठते और सवेरे हो जाते सत्संग करते, वार्तालाप करते, कोई प्रसंग सर जाता ऐसा है ऐसा है ऐसा नहीं ऐसा है, रोज का नियम चला। पांच साल हो गए, पांच साल में एक दिन भी घरवाली मायके नहीं गई। खूब आनंद आता सत्संग में, खूब चर्चा करते भगवत चर्चा। एक दिन उनका छोटा भाई आ गया, तिया सो स्नेह बिन पूछे पिता गेह गई, भूले सुधी देह भजे बाही थोरे आए हैं, बधुवती लाज भई ऋषि सो निकस गई, प्रीते राम नई तृण हार चाम सो लगाए हैं। भाई आया छोटा भाई लेने के लिए, ये किसी काम से नहीं गए थे बाहर, बोले अभी चल गए हैं, अभी चल, माँ याद कर रही है बहुत तबीयत खराब है। अब विचार करें उनको बता दो तुम, बोले वो बता नौकर को बोल दे ये बता देंगे। तो किसी दासी को बोल के और भाई के साथ में रत्नावली जी अपने मायके चले गए। अब आए शाम को तुलसीदास जी, पूछा कहाँ गई, बता दिया दासी ने अपने मायके गई है, चलो कोई बात नहीं गई है। तो 9 बजे तक तो जैसे तैसे समय काट लिया और 9 बजे के बाद बैठते थे सत्संग के लिए। अब सोचने लगे कि सत्संग में किससे करूं, नशा होता है चाय का, एक नशा होता है, चाय ना मिले तो सिर में दर्द होता है, कहते एक कप चाय दे दो रोटी मत दो, तम्बाकू खाने वाले को हुड़ास मन में हुड़ास लगती है कुछ मिले तम्बाकू, बीड़ी पीने वाले को एक एक दो दो कस मिल जाए, सबको अपने अपने एक व्यसन, जैसे शंकरादि भगवान को व्यसन लगा होगा, आशा वसन व्यसन यहति नहीं, रघुपति चरित हो ये तहां सुनहि। वो चारों भाइयों को व्यसन लगा हुआ है क्या, बोले कथा के बिना नहीं रह सकते, बोले कथा नहीं हो रही हो तो, बोले तीन श्रोता बन जाते हैं एक वक्ता बन जाते हैं, कथा सुनाओ। ऐसे ही व्यसन लगा हुआ है,
9 बजे के बाद क्या करें, फिर विचार किया, अंत में 10 बजे तक जैसे तैसे काटा और 10 बजे सोचा चलो ऐसा करते वहीं चलते ससुराल, वहीं बैठ के और रत्नावली जी के संग में वहीं सत्संग करेंगे। जल्दी। अच्छा, अब जो प्रसंग जो बोलते हैं यहां पर कि वो नदी बड़ी थी मुर्दा पे चढ़ के गई, ये इनका प्रसंग नहीं है, ये प्रसंग जो है बिलो मंगल जी का है, यहां गोलमाल कर देते हैं, यहां ऐसा नहीं है, यहां तो गोस्वामी जी चल दिए और रात को पहुंचे वहां, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खटखटाया तो कौन निकल के आई, बोले निकल के आई रत्नावली, बोले वधू अति लाज भाई, इसको बड़ी लज्जा आई, क्यों सब लोग क्या कहेंगे, अभी आए हुए 4 घंटे नहीं बीते और उसका पति पीछे पीछे भाग आया, इतना जोर का गुलाम है, लोग थोड़ी सोचेंगे कि सत्संग के लिए आए, तो विचार किया ऋषि सो निकसी गई, बोले मेरे कारण इनकी हंसी हो गई, इसलिए आपने सुनाया और ठाकुर ने सुनवाया, जब लोहा गर्म होता है ना तब चोट मारो ना तो जल्दी आकृति आती है, विचार किया इस समय ठीक है, ठाकुर ने निकलवाया, बोले लाज न आवत आपको, आपको लज्ज नहीं आती, लाज न आवत आपको दौरे आयम सान, अरे धिक धिक ऐसी प्रीति को कहा कहो मैं नाथ, धिकार है तुम्हारी हमारी प्रीति को, बोले क्यों, अरे 5 साल सत्संग किया, क्या सत्संग का यही फल मिला कि पीछे पीछे दौड़े आ गए, लोग क्या कहेंगे, अरे जितनी प्रीति तो मेरी मेरे शरीर में है, हाड़ जाम हाड़ मांस के शरीर में है, इससे आधी प्रीति अगर राम जी में होती ना तो राम जी मिल जाते, अब बताओ ऐसी उपदेश कौन करेगा, पति करेगी ऐसा उपदेश, राम जी कर रहे हैं उनके अंदर बैठ के, और ये बात कोई और समझावे ना तो समझ में नहीं आएगी, जिससे